नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं महावीरा कंपनी की तरफ से निकाला गया सिंगल सुपर फॉस्फेट जीरोन। इसमें समाहित है 5 पोषक तत्व जो मिट्टी को देते हैं दमदार मजबूती, जिससे फसल की पैदावारी में बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमें पता है, अच्छे बीज के साथ साथ संतुलित पोषक तत्वों के प्रबंधन का भी अपना अलग ही महत्व है। जब पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात आती है तो किसान भाइयों को सबसे पहले जो उर्वरक दिखते हैं वो होते हैं DAP और यूरिया। इन दोनों उर्वरकों से पौधों को केवल 2 पोषक तत्व ही मिलते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जबकि पौधे को 3 प्राकृतिक तत्वों को छोड़ दिया जाए तो 12 पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है, जिसमें से 6 ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और बाकी 6 की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से बहुत है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन और मॉलिब्डेनम। किसान भाइयों, जब हम DAP का उपयोग करते हैं तो हम केवल 2 पोषक तत्व नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 46% ही प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अगर इसके स्थान पर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट जीरोन का उपयोग किया जाए तो हमें 6 पोषक तत्वों जैसे फॉस्फेट 16%, जिंक 0.5%, बोरॉन 0.2%, सल्फर 11%, कैल्शियम 19%। DAP और NPK के निरंतर इस्तेमाल को बंद हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके निरंतर उपयोग से ज़मीन कड़ी हो जाती है। इस कारण से बीज को अंकुरण में दिक्कत आती है और फसल को अपने बढ़ाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सुपर फॉस्फेट को बोनी से 5 से 7 दिन पहले डाला जाता है, जिससे बाद में ज़मीन भुरभुरी होकर 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर आ जाती है। बोनी के बाद बीज का अंकुरण सरलता से होता है और जड़ें गहराई से पोषण लेने लगती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जिंक बोरॉन मिश्रित होता है जो फसलों को चमत्कारिक परिणाम देता है। जीरोन की मार्केट में इस समय अभी कीमत है 450 से 500 रुपये। किसान भाइयों, हमें पता है DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है, यानी एक बोनी में 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फॉस्फोरस मिलता है, जो किसान को अभी 1350 रुपये में मिल रहा है, जबकि हमें जीरोन जिसमें 5 पोषक तत्व मिले हुए हैं उसकी कीमत हमें सिर्फ 450 से 500 रुपये। जब हम एक DAP की बोरी 1350 रुपये की लेते हैं, उसकी जगह हम 2 बोरी जीरोन और 1 बोरी यूरिया का मिलाकर हम हिसाब लगाते हैं तो 2 बोरी जीरोन पड़ती है हमें 900 रुपये की और साथ में 1 बोरी यूरिया पड़ती है 270 रुपये की, तो यदि हिसाब लगाते हैं तो हमें 1170 रुपये का बैठता है। कुल मिला के 1350 में से 1170 अपन घटाते हैं तो हमें 180 रुपये की हमारी बचत हो जाती है और साथ ही साथ हमें 4 पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं। किसान भाइयों, सिरोन में मौजूद 5 तत्वों का अपना अलग ही महत्व है। जिंक का काम होता है पौधों की जटिल प्रक्रिया में सहायक बनकर पैदावार को बढ़ाता है, साथ ही फसल में रोग की संभावना को कम करता है। कैल्शियम का काम होता है जड़ों का विकास करना, पानी की पूर्ति कराना और पौधों को मजबूती देना। साथ ही साथ फॉस्फोरस का तो आपको पता ही होगा, क्लोरोफिल के उत्पादन एवं जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। गंधक यानी सल्फर पौधों में एमिनो एसिड, तेल, प्रोटीन एवं रासायनिक द्रव्यों के निर्माण में सहायक करता है। बाकी बचा है अपना बोरॉन नए अंगों के निर्माण में एवं रासायनिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे फल और फूल को मजबूती प्रदान करता है। किसान भाइयों, आप जीरोन का इस्तेमाल बोनी करते वक्त भी कर सकते हैं, बोनी से 5 से 7 दिन पहले खेतों में छिड़काव करवा कर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जीरोन का इस्तेमाल मूंग, गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का, धान, गन्ना एवं जितनी भी सब्जियों वाली फसल होती है सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करते वक्त इसमें यूरिया और कुछ मात्रा में पोटास मिला लेंगे तो आपको ये DAP से 3 गुना ज़्यादा फायदा प्रदान करेगा। यह पूरा दानेदार होता है, जिससे कि यह बारिश में